ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको चार भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों के ऊपर भगवान की विशेष रूप से कृपाएँ और साथ ही ग्रहण का शुभ योग भी है। इन राशियों के ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके कार्य बनेंगे। देखो, इंसान के प्रत्येक कार्य में रुकावट कब आती है? जब उसके ग्रहण की स्थिति ठीक ना हो, और जब ग्रहण की स्थिति ठीक होती है तो कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली राशि की अगर हम बात करें तो वह है मेष राशि। आप सभी जानते हैं कि मेष राशि के अंदर गुरु का सहयोग चल रहा है। गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर शुभ हो, जिसके घर में गुरु देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, तो उनके प्रत्येक कार्यों में रुकावट आएगी। लेकिन साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु से आपको सावधान रहना है। राहु का मतलब है कि आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, इसलिए पूजा पाठ पर ध्यान दें और किसी की बातों में ना आएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी जो राशि है वह है कर्क राशि। सूर्य चंद्र शुक्र का योग, यानी आपके गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन किसी वजह से, जो कोई बात का मतलब भी नहीं है, उस वजह से आपके गृहस्थ जीवन में नज़र लग सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़े, आपस में मनमुटाव, आपसी संबंधों में आपके में परेशानी खड़ी हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र ग्रस्त जीवन का मालिक है और सूर्य से उसकी शत्रुता है। तो सूर्य और चंद्र का योग अच्छा है, साथ ही शुक्र का योग अच्छा है, लेकिन सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो एक महीने आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते रहें। तीसरी राशि है सिंह राशि। मंगल और बुध का सहयोग सिंह राशि के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। आत्मसम्मान बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही आपके कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे और नया बिजनेस भी आपका शुरू होगा, साथ ही संतान धन का भी योग है। अगली राशि है धनु राशि, जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है। इस राशि का योग बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में है कुंभ राशि। शनि का सहयोग, कुंभ राशि यानी अपने घर में शनिदेव विराजमान हैं कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप शनिदेव की आराधना करें, साथ ही भगवान शिव की पूजा करें, जिससे आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ रहने वाला है। भगवान की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर होंगे और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये पाँच राशियाँ हैं जो बहुत ही भाग्यशाली चल रही हैं, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। पांच राशि वाले बेहद ही भाग्यशाली समय, पुत्र, धन, नौकरी, बिजनेस, हर प्रकार कार्यों में लाभान्वित होंगे, कुछ परेशानियां आएंगी, इसलिए भगवान की पूजा जरूर करते रहें। ओम नमः।